Leave him. We have absolutely no intention whatsoever. ये मैं first time publicly जो सा record पे कह रहा हूँ on behalf of इमरान रियाज खान, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं लाजमी तौर पर जो है वो उसकी वेलफेयर ही सोचूंगा और उसका वकील भी अपनी जगह पे हूँ। हम इस मामले को यहीं पे ही जो सा दफन करके ख़त्म कर देंगे, हम भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने पहले भी जो सा ऐसे किया, बहुत से जैली फ्रंट मुदई जो सा हमारे सामने खड़े हुए, हमारे पास बड़ी अल्लाह ताला ने जोरे बाजू से ताकत भी दी थी, वसाइल भी दिए थे कि हम उनके खिलाफ भी जो सा मुकदमा दोबारा जो सा दर्ज कराते मलेशियस प्रोसिक्यूशन में, उनको भी जेलों में डालते, लेकिन हमने उनको भी जो सा दरगुजर किया, माफ़ किया। हम इधर भी जो सा है वो आपके साथ जो है कहीं कोई लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते, आगे ले जाना नहीं चाहते। बराए मेहरबानी जो सा बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर कोई ज़रा सा अनटूवर्ड हुआ तो फिर वो भी डिटेल्स जो कि मुमकिन तौर पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ये स्पेसिफिक डिटेल के कहाँ से निकला, कहाँ गया, कहाँ से निकला, कहाँ गया, इसको भी जो सा पब्लिक में लाने से जो सा गुरेज किया जाए। बराए मेहरबानी जो सा जाने दें। सिर्फ शॉर्टली अनम शेख के हवाले से बता दें, वो रिहा हो चुकी हैं। आफ्ताब इकबाल के केस भी आपने देखा है तो बड़ी कामयाबी मिली है। देखें, अब इस वक्त बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। अभी भी जो है वो हमने आज एक पिटीशन फाइल की है, जितने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त जो कि सो कॉल्ड जियो फेंसिंग की बेसिस पे जो है वो दो दिन पहले मैंने पिटीशन तैयार कराई थी। मुमकिन तौर पर पहले मेरा इरादा यही था कि मैं खुद आके कर लूँ, अभी मैं चूँकि अब आप देखें रात के तकरीबन 2-3 बज रहे हैं और मैं अभी जो सा वो लैंड किया हूँ, तो मैंने अपने ऑफिस को जो सा वो इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वो सुबह जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। ये जितने लोग बोनाफाइड बेसिस पे, देखें बात सुने, आपका किसी भी इवेंट को कवर करना जर्नलिस्ट का ये उसका राइट है। अगर कोई क्राइम सीन आप विटनेस कर रहे हैं तो सिर्फ क्राइम सीन कवर करने की बेसिस पे या विटनेस करने की बेसिस पे आपको उस क्राइम में जो सा इन्वॉल्व कंसिडर नहीं किया जा सकता। और ये पाकिस्तान का एक डिक्लेयर्ड रिपीटेड जो सा वो लॉ है, मेयर प्रेजेंस ऑन अ क्राइम सीन ऑफ अ पर्सन डज नॉट मीन दैट द पर्सन इज़ ऑल्सो और हैज़ ऑल्सो बीन इन्वॉल्व इन दी क्रिमिनल एक्टिविटी। आपका मौके पे मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि आपने भी जो सा कोई जुर्म में जो सा है वो हिस्सा लिया है, या आप उसके दरमियान में जो सा है वो शामिल हुए हैं, या आपने भी कोई इंस्टिगेशन की है या इंगेजमेंट की है या कंस्पायरी की है या उसमें कोई पार्टिसिपेट किया है, इसका ये मतलब नहीं है। तो जो जितने जर्नलिस्ट हैं उनकी विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान जब से बना है और जब तक रहेगा, पिछले 1-1.5 साल में जितनी हो चुकी है, इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट यू नो बिकमिंग और हैज़ बिकम ऑलमोस्ट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ। ये हमारे लिए बतौर कौम और बतौर जो सा है वो रियासत और बतौर जो है वो हुकूमत जो है वो तमाम लोगों के लिए लम्हा फिक्री है, और ये एक शर्मिंदगी का, इंतहाई शर्मिंदगी का और शर्म का जो सा मकाम है कि हमने अपने ही जो सा है वो लोग जो कि अपनी जिम्मेदारियाँ जो सा प्रोफेशनल नेचर की जो सा निभाते हैं उनको इस लेवल पर हमने जो है ना वो विक्टिमाइज जो सा वो कर लिया। थैंक यू। आखिरी सवाल के ये जो आपकी बातों से तासुर गया कि किसी सियासी शख्सियात के कहने पर इमरान रियाज को सिविलियन अदारों ने उठाया, ये सही? देखें, ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने नहीं, वो मैं सबके किरदार पे आऊँगा। इसमें तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं, इसमें तमाम लोग शामिल हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान की थ्रू आउट कस्टडी जो है, हो सकता है उसके कुछ पोर्शन जो है वो किसी जगह पे हुए हों, लेकिन उसकी थ्रू आउट कस्टडी जो है वो किसी नॉन सिविलियन इदारे के पास नहीं रही। ये मैं बहुत बड़ा आपके सामने अब इंकशाफ कर गया हूँ। आप स्मार्ट लोग हैं, कोई ना कोई बात निकलवा लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसका ऑलमोस्ट जो मेजर पोर्शन है वो सिविलियन इदारों के पास ही जो सा रहा है, जिसके मकामात मैंने आपको बताया, मुझे पता है, और अभी इतना ही जो सा वो काफ़ी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको कहा स्पेसिफिकली मेरे पास जो सा पड़ी हैं कि वो मुमकिन तौर पर जो है वो निशानदेही भी जो सा है उन मकामात की इन्हीं पुलिस वालों को जो सा है वो मैंने ही करके दी थी, जिसके बाद जो है इनको जब मैंने वो निशानदेही करके दी तो इन्होंने फटाफट जो है वो उसको दोबारा जेल में ले जाकर ये सारा ड्रामा रचाया। अभी आप ज़रा वक्त आने का इंतजार करें, बहुत से इनके शफात इंशाल्लाह सामने आएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारी तरफ।